हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। एक बहुत बड़ा कमेंट होता है आप सभी लोगों का। बहुत सारे मित्र हमारे कमेंट करते हैं कि सर एप्सन का प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, कौन सा मॉडल खरीदें, हम 3210 खरीदें, 3215 खरीदें या 3216 खरीदें। तो आज के इस फाइनल वीडियो में हम इन तीनों प्रिंटर का रिव्यू करके आपको दिखाएंगे, इनको हम ओपन करेंगे, साथ में तीनों को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि इन तीनों प्रिंटर में सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जब भी आप किसी भी शॉप पे पहुंचते हैं प्रिंटर खरीदने के लिए, तो आपके सामने ये 3-4 ऑप्शन रख दिया जाता है कि भैया ऑप्शन में ये कौन सा मॉडल आप खरीदेंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन आज के इस वीडियो में हम आपका दूर करने वाले हैं। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने बड़े सवाल का जवाब आपको इस चैनल पर मिलने जा रहा है। आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने इन तीनों प्रिंटर को ओपन कर लिया है और अनबॉक्स करके इसको मैंने सेटअप भी कर लिया है। मैंने इसमें कार्ट्रिज फिल कर दिया और सारे को पावर दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सेटअप कैसे करते हैं, कैसे पहली बार इसे इंस्टॉल करते हैं और इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं फर्स्ट टाइम यूज के लिए, तो इसके लिए मेरा एक दूसरा वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देखकर अपने प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इन तीनों प्रिंटर में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस है, हमें कौन सा खरीदना चाहिए, तो इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो आइए गाइस, सबसे पहले हम 3210 मॉडल को देख लेते हैं। इसमें हमें एक पावर बटन मिल जाता है, इसके बगल में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी का बटन मिल जाता है, फिर एक कलर का बटन मिल जाता है और इन दोनों बटन को साथ में प्रेस करने से यहाँ स्कैनिंग के लिए भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। और साथ में जो चौथा बटन यहाँ पे दिया गया है वो कैंसिल करने के लिए है। और इसका और भी यूज होता है, कभी कभी जब हमें हेड क्लीन करना होता है, कोई प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इसको 5 सेकंड तक अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो हेड क्लीन हो जाता है हमारे प्रिंटर का। तो ये 4 बटन यहाँ पे दिए गए हैं। ये 3210 मॉडल है, ये ब्लैक कलर में है। और अगर इसके सिस्टम के बारे में हम बात करें तो इसका इस जो सिस्टम है ओपन करने के लिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसे ये भी ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है थोड़ा सा, यानी कि ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर मान लीजिए बाय द वे पेपर वगैरह फंस जाए तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं और इसको ऐसे दोबारा से बंद कर सकते हैं आप। तो गाइस, सिंपल ये प्रिंटर ब्लैक कलर का है, इसमें ये 4 बटन बने हुए हैं। ये 3210 मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आइए अब हम देख लेते हैं 3215 मॉडल के बारे में। यहाँ पे देखेंगे तो 3215 मॉडल आप यहाँ देख सकते हैं, 3215 मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इसमें भी एक पावर बटन मिल जाता है, साथ में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी का बटन मिल जाता है, बगल में एक कलर का बटन है, यानी कलर फोटोकॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और फिर ये कैंसिल का बटन, जिस प्रकार से 3210 में था बिल्कुल सेम उतने ही बटन हमें 3215 में भी मिल जाता है। इसका कलर ऊपर ब्लू है और बगल में ये सभी व्हाइट है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं 3216 मॉडल की। इसमें भी एक पावर बटन, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी का बटन, एक कलर फोटोकॉपी का बटन और एक कैंसिल बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3216 मॉडल ये लिखा हुआ है। गाइज, ये फुल व्हाइट है प्रिंटर और इसका भी ट्रे ब्लैक है, जिस तरह से तीनों प्रिंटर का ट्रे बिल्कुल ब्लैक ही है। और इस ये पूरा फुल व्हाइट है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। ये 3216 मॉडल है, 3215 मॉडल है और ये 3210 मॉडल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके फीचर्स में, बटन में क्या क्या काम कर सकते हैं ये तीनों प्रिंटर, तो बिल्कुल सेम फंक्शन है तीनों प्रिंटर का। तीनों प्रिंटर में आप प्रिंट, स्कैन, कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी स्कैनर है, इसमें भी स्कैनर है, और अगर हम देखें तो इसमें भी स्कैनर है। तीनों प्रिंटर में स्कैनर हैं, स्कैन कर सकते हैं, तीनों में फोटो कॉपी, प्रिंट आउट और स्कैन का काम आप कर सकते हैं और इसे आप प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो गाइज, यहाँ पे फाइनली हम आपको बताना चाहते हैं ये तीनों प्रिंटर का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, फंक्शन बिल्कुल सेम है, बस अंतर है तो सिर्फ इनके कलर का। क्योंकि अगर आपको ब्लैक कलर से प्रॉब्लम है, अगर आप ब्लैक कलर नहीं पसंद करते हैं, आपको लगता है मेरी जिंदगी में ब्लैक कलर अच्छा नहीं है, तो आप व्हाइट के साथ चले जाओ, आप 3216 मॉडल खरीद लो। आपको व्हाइट नहीं अच्छा लगता है, ब्लैक भी नहीं अच्छा लगता है, तो ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन 3215 मॉडल का प्रिंटर आप खरीद लो। यानी कि तीनों प्रिंटर के जो फंक्शन हैं वो बिल्कुल सेम है। आइए हम थोड़ा सा कंपनी क्या रिव्यू करती है इन तीनों प्रिंटर के बारे में, इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि बॉक्स में तीनों के स्पीड में क्या अंतर है, वो रिव्यू कर लेते हैं। तो अगर हम देखें 3210 मॉडल प्रिंटर में, तो इसका अगर हम यहां पर देखें कि जो साइज है वो साइज 70x179 mm, मतलब यहां पे इसका जो साइज दिया गया है। और यहां पे प्रिंट स्पीड अप टू 3 ब्लैक एंड कलर, यानी कि 33 पेज ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करेगा और 15 पेज
ये कलर प्रिंट करेगा, ये पीपीएम इसका जो स्पीड है, और आईएसओ प्रिंट स्पीड ब्लैक एंड कलर का यहाँ पे 10 एंड 5 आईएसओ पीपीएम है। इसी तरीके से अगर इसके स्कैन का रेजोल्यूशन देखें तो 600x1200 डीपीआई में ये स्कैन करता है, और प्रिंट रेजोल्यूशन अप टू 5760x1440 डीपीआई, यानी ये 3210 की क्वालिटी यहाँ पे अगर हम देखें तो सारा कुछ इसमें बताया गया है। इसी हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें 3215 की, तो 3215 में भी देखेंगे यहाँ पे जो इसका मॉडल है 3215, सेम जो भी साइज यहाँ पे दिया गया है वही सेम साइज 3210 3215 दोनों में है, और जो स्पीड इसमें 3210 में हमें मिल रहा था वही 3215 में मिल रहा है, सारी चीजें यहाँ पे सेम है। और इसी तरीके से अगर हम 3216 नीचे आगे कंपेयर करें, यहाँ पे 3216 मॉडल है, इसमें भी बिल्कुल अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 33 and 15 ppm है और 10 5 ppm ISO ppm है, और 600x1200 यहाँ पे दिया गया है, 5760x1440 dpi यहाँ पे, यानी कि जो ये सीन है तीनों प्रिंटर में अगर हम देखें, तीनों प्रिंटर में ये सीन बिल्कुल सेम है। तो गाइस देखा आपने, ये तीनों प्रिंटर का बिल्कुल फंक्शन कंपनी के हिसाब से भी सेम है, सिर्फ डिफरेंस है तो कलर का डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं इन तीनों प्रिंटर के प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस अगर 3210 के प्राइस की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 14,999 इसका MRP आया हुआ है। इसी प्रकार से 3216 की बात करें तो इसमें भी 14,999 यानी सेम प्राइस दिया गया है, और इसी तरीके से 3215 की बात करें तो इसका भी आप देखेंगे तो 14,999 इसका भी प्राइस दिया हुआ है। कंपनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इनके डिब्बे पर जो इनका MRP लिखा हुआ है वो लगभग तीनों प्रिंटर का सेम है, बस सिर्फ अंतर इनके कलर का है। क्योंकि जैसे आप कोई फोन खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक आईफोन खरीदने गए हैं, तो कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सा कलर हम आईफोन का खरीदें, बिल्कुल वही डिफरेंसेस यहाँ पे तीनों प्रिंटर में है कि कौन से कलर का प्रिंटर आपको चाहिए, सिर्फ इतना अंतर है इन तीनों प्रिंटर में। तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अंतर है तो इसी सीरीज में यानी 3200 सीरीज में 3250 मॉडल के प्रिंटर में, जो 3250 मॉडल के ऊपर के प्रिंटर हैं उनमें डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 3250 मॉडल का प्रिंटर आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। इसमें गाइज अगर आप बटन से देखें तो यहां पे सिर्फ 4 बटन है, बट इसमें वाईफाई फंक्शन का बटन और एक्स्ट्रा दिया गया है, इससे आप वाईफाई प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जबकि इन सभी प्रिंटर में आप वाईफाई प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 3250 मॉडल या उससे ऊपर के मॉडल अगर आप खरीदते हैं तो उसमें वाईफाई प्रिंटिंग की व्यवस्था आपको मिल जाती है, लेकिन इसी वाईफाई प्रिंटिंग की वजह से 3250 मॉडल या इससे ऊपर के प्रिंटर के मॉडल के की कास्टिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, इनका रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2000 रुपये के आसपास करीब ज़्यादा मिल जाता है ये 3250 मॉडल का प्रिंटर आपको। लेकिन अगर हम बात करें ये तीनों प्रिंटर, तो इनकी भी प्राइसिंग लगभग सेम है। अब कहीं पे आप जाते हैं किसी दुकानदार के पास, हो सकता है वो आपको कलर के नाम पे या थोड़ा सा आपको घुमा कर, सर ये 3210 मॉडल है, ये इससे ऊपर का मॉडल अगर आप 3215 खरीदते हैं तो ये सिर्फ 300 रुपये महंगा है, या 3216 खरीदते हैं सर तो ये और थोड़ा ऊपर का मॉडल है, ये 500 रुपये महंगा है उससे, बस इस तरह से आपको घुमाया जा सकता है। लेकिन आप बिल्कुल मत घूमिएगा, बोलिएगा अरे हम सर्वे सर के सब्सक्राइबर हैं भाई, सब जानते हैं, सारे प्रिंटर एक हैं, कलर का डिफरेंस है, और कलर के डिफरेंस की वजह से क्यों हम एक्स्ट्रा पैसा दें, क्योंकि कंपनी की प्राइसिंग भी सेम है। तो गाइज आइए इन तीनों प्रिंटर में हम सेम फॉर्म तीनों प्रिंटर पे फोटोकॉपी करके देखेंगे और तीनों के स्पीड को लाइव टेस्ट करेंगे। तो आइए सब में हम यही सेम फॉर्म लगा देते हैं, मैंने इसमें पहले में लगा दिया और इसी तरीके से दूसरे में और अब तीसरे में। गाइज तीनों प्रिंटर रेडी है, तीनों में मैंने सेम फॉर्म लगाया है। अब हम यहाँ पे तीनों से पहले ब्लैक फोटोकॉपी करके देखेंगे, तो मैंने 1 2 ये दोनों को मैं साथ में प्रेस कर रहा हूँ और जल्दी से मैं तीसरा बटन भी प्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो इन दोनों को मैंने साथ में दबा दिया और मैं तीसरे को भी दबा दिया और इस तरह से देखते हैं कि तीनों प्रिंटर में स्पीड में कुछ अंतर है क्या। तो गाइस रीजन ये होता है, देखिए ये दोनों को पहले मैंने बटन दबाया था इसलिए ये दोनों थोड़ा सा पहले गया है और ये थोड़ा सा एक सेकंड मुझे लेट हुआ होगा, इसलिए फिर भी तीनों प्रिंटर की स्पीड गाइज बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं। इसी तरीके से एक बार अब हम कलर प्रिंट करके भी देख लेते हैं, तीनों में हम कलर प्रिंट का भी बटन दबाएंगे और तीनों की प्रिंट क्वालिटी भी बिल्कुल सेम है। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कोई अंतर नहीं है तीनों के प्रिंट क्वालिटी में। अब फिर से ट्राई करते हैं कलर प्रिंट आउट करके, तो मैंने इसका कलर और इसका कलर बटन दोनों में साथ में दबाया और जल्दी से इसको भी मैंने दबा दिया
देखिए गाइस, ये थोड़ा सा बाद में किया था इसलिए ये बाद में लेके जा रहा है पेज को। तो यानी जैसा मैंने बताया था तीनों प्रिंटर सेम है, तो यहां पे तीनों का रिजल्ट भी बिल्कुल सेम आ रहा है। गाइस अगर इनमें से कोई प्रिंटर आप खरीदना चाहें या एप्सन के कोई प्रिंटर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मैं आपको जेन्युइन लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से अगर आप खरीदेंगे जो लिंक मैं दे रहा हूं तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट और जेन्युइन इंक भी मिल जाएगा। कभी कभी कुछ गलत जगह से भी आप खरीदने से कुछ लोकल प्रोडक्ट भी आपको मिल जाता है, मतलब प्रिंटर के साथ कार्टेज वगैरह के साथ लोग छेड़खानी कर देते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप इन प्रिंटर्स को खरीद सकते हैं। तो यहां पर देखा गया तीनों प्रिंटर ने कलर भी बिल्कुल सेम टाइम पे प्रिंट किया और तीनों प्रिंटर का प्रिंट क्वालिटी भी बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंसेस नहीं है तीनों के प्रिंट क्वालिटी में। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।